हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार नाथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बिलियन के पहले पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अगर आपके पास इस टॉपिक का एक बेसिक ज्ञान होता है तो आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग उन्हीं सारे बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका वीडियो आपके साइंस पेड क्लास का एक हिस्सा है और साथ ही साथ जो आपका साइंस पेड क्लास है वो धुरीना ऐप पे चलता है, जहाँ पे आपको फाउंडेशन जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करवाया जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। बिलियन की विलयता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, इन सारे चीज़ों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिलियन है क्या। तो सिंपल वे में हम लोग क्या कहते हैं कि बिलियन जो है, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है, ठीक है। या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बिलियन विलय एवं विलायक दोनों का समांगी मिश्रण है। दोनों का क्या है? समांगी मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही डेफिनेशन में मिश्रण लिखा है। हाँ, बिलियन आपका एक मिश्रण है और इसकी कोई भी अवस्था फिक्स नहीं होती। बिलियन मिश्रण जो है आपका, या आप जिसको बिलियन कह रहे हो, ये आपका किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठोस ठोस में भी हो सकता है, द्रव द्रव में भी हो सकता है, गैस गैस में भी हो सकता है। तो आप सिंपल समझ जाएंगे कि किसी भी दो पदार्थ का ऐसा समांगी मिश्रण जो आप लिक्विड अवस्था में देख पा रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने क्या करा कि सर ये समांगी होता है। समांगी बोले तो मतलब क्या कि किसी मिश्रण में जो उसके विलय और विलायक के गुण होंगे वो पूरी संपूर्ण सतह पे पूरी तरह से फिक्स होगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। समांगी का मतलब तो यही ना होता है कि सारा गुण उसके पूरे सतह में हो, समांगी का मतलब तो यही होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन शुद्ध और सटीक भाषा में अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें मेरे मित्र, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग कि जो बिलियन है, सॉल्यूशन है, वो विलय और विलायक इस दोनों का क्या है? समांगी मिश्रण है। विलय और विलायक इस दोनों का क्या है? समांगी मिश्रण है। अब आप कहेंगे कि सर ये विलय और विलायक ये क्या है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि भाई प्यास बहुत ज़ोर से लगी है, थोड़ा सा शरबत बनाओ। आप क्या करेंगे? फटाक से पानी निकालेंगे फ्रिज से, ये निकाल लिए, ठीक है। अब आपने फ्रिज से पानी निकाला, आपने सोचा कि सर को प्यास लगा हुआ है तो सादा पानी क्या दें, थोड़ा सा चीनी भी इसमें डाल देते हैं, शरबत बन जाएगा। तो आपने इसमें पानी डाला और फिर आप इसमें क्या कर रहे हो कि सर आप इसमें स्पून से इसमें क्या कर रहे हो? चीनी डाल रहे हो, चीनी आप क्या कर रहे हो? डाल रहे हो। अच्छा, आप ये बताओ कि जब आप इसमें चीनी डाल रहे हो तो क्या इस पूरे ग्लास को आप चीनी से भर दे रहे हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर, एक चम्मच दो चम्मच इतना ही ना डालोगे। तो आप किस में डाल रहे हो? पानी में डाल रहे हो। किस में डाल रहे हो? पानी में डाल रहे हो। तो मतलब ये हो गया कि आपका जो पानी है उसमें कोई भी चीज़ घुल जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है। तो जिसमें कोई भी चीज़ पूरी तरह से घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जिस चीज़ को विलायक में घुलाते हैं, तो यहाँ पे हम पानी में चीनी को घुला रहे हैं, तो ये जो चीनी है मेरा, ये क्या हो गया? मेरा विलय हो गया।
क्या हो गया मेरा, विलेय हो गया, सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया मेरा, सॉल्यूट हो गया। तो हम लोग इसीलिए तो कहते हैं सर कि सॉल्यूशन जो होता है, जो बिलियन होता है, वो क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है, मिश्रण होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है, मिश्रण होता है। या सीधे तौर पे हम ये भी कहते हैं कि विलयन जो है उसमें क्या रहेगा हमेशा, तो दो चीज़ हमेशा रहेगा, पहला विलायक रहेगा और दूसरा विलेय रहेगा। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये ठीक है, चलो विलायक है और ये विलेय है, हमको कैसे याद रहेगा कि ये विलायक है और ये विलेय है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपका ज़्यादा अमाउंट में होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी मेरा ज़्यादा अमाउंट में है, पानी क्या है मेरा ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये विलायक है। आप देखिए विलायक का वर्ड क्या है, वर्ड बड़ा है तो ये हमेशा बड़ा अमाउंट में रहेगा, और विलेय का वर्ड क्या है, छोटा है, तो ये हमेशा क्या होगा, छोटा में रहेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बिलियन में जो पदार्थ आपका बड़ा अमाउंट में होगा उसको विलायक या सॉल्वेंट कहेंगे, और जो आपका छोटा अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलेय या सॉल्यूट कहेंगे, विलेय या फिर सॉल्यूट कहेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर बिलियन के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो पहला तो चीनी और पानी का एग्जांपल आप देख ही लिए, बिलियन का उदाहरण है। आप फिर कह सकते हैं सर कि अल्कोहल और वाटर ये दोनों क्या हो जाता है आपका, मिलता है एक दूसरे के साथ पूरी तरह से, आप कहेंगे सर डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरह से, तो ये भी आपका एक बिलियन तैयार हो जाता है। अच्छा आप कहते हैं सर नमक और पानी, तो नमक और पानी भी एक दूसरे के साथ मिल जाता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी एक बिलियन तैयार हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल फॉर द सॉल्यूशन, आपके बिलियन के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उससे समझ सकते हो। लेकिन सवाल ये नहीं उठता है कि सर बिलियन समझ गए तो हो गया, अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये आता है कि सर बिलियन का गुण भी होता है क्या, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है क्या? तो यस सर, बिलियन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। तो अब आप हेडिंग देंगे क्या कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या आप लोग हेडिंग देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या कि बिलियन का गुण। देखिएगा बहुत ही आसान सा है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको रटे या रटने का कोशिश करें। अब देखिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है, आपने जो यहाँ पे चीनी और पानी को मिलाया तो क्या आपको दिखने पे ऐसा कहीं पे लगा कि ये चीनी का कण है, आपको कहीं पे लगा, आपको कि सर क्या बात कर रहे हैं, समांगी मिश्रण में कण कहाँ से दिख जाएगा, आप ही ने तो बताया है कि समांगी मिश्रण में कणों के बीच में बाउंड्रीज नहीं दिखती है, दे आर नॉट विजिबल, वो विजिबल नहीं होते हैं। अच्छा जब आपको लग गया कि कहीं पे बाउंड्री नहीं है, दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बिलियन से आप किसी भी वस्तु को आर पार देख सकते हैं। मतलब क्या कि पहला तो गुण ये हो जाता है बिलियन का कि बिलियन जो होता है वो पारदर्शक होता है, क्या होता है, पारदर्शक होता है, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि बिलियन क्या होते हैं, समांगी होते हैं, क्या होते हैं, समांगी होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, हर जगह पे उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा आपने एक चीज़ और देखा होगा कि बिलियन में जो उसके अभी कण होते हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कण आपको आपस में नहीं दिखते, क्योंकि वो क्या होता है कि बहुत ही छोटा हो जाता है। मतलब कितना छोटा हो जाता है, बिलियन के कणों का जो आकार होता है दोस्तों वो होता है आपका 10^-7 सेंटीमीटर से भी कम होता है, 10^-7 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। और इसी के चलते आपका जो बिलियन है वो क्या होता है, छन्ना पत्र से, मतलब जो फिल्टर पेपर होता है उससे आर पार हो जाता है। मतलब ये हुआ कि बिलियन जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, समांगी होते हैं, बिलियन के कणों का साइज 10^-7 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम होगा, बिलियन के कण जो हैं क्या होंगे, छन्ना पत्र से आर पार कर जाएंगे। और जब 10^-7 सेंटीमीटर से कम होगा तो क्या आप बिलियन के कण को नंगी आंख से देख पाएंगे, आप बोलेंगे सर नंगी आंख से क्या, ये तो साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब क्या कि बिलियन का गुण हो जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सर बिलियन की कोई अवस्था नहीं होती है, सॉल्यूशन की कोई अवस्था नहीं होती है, अवस्था बोले तो ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ लिक्विड और लिक्विड को ही हम लोग बिलियन कहेंगे,
लिक्विड, और लिक्विड को ही हम लोग बिलियन कहेंगे, ये चीज़ हम कभी नहीं कह सकते। तो आप इसको एक्स्ट्रा मार्क दे करके या नोट करके आप लिख लेंगे इस बात को, क्या क्या कि बिलियन की निश्चित अवस्था नहीं होती, बिलियन की निश्चित अवस्था नहीं होती, निश्चित अवस्था नहीं होती। इस चीज़ को आप स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे नहीं इसकी निश्चित अवस्था होती। अच्छा, जब आप मिश्र धातु बनाते हैं तो आप कहते हैं सर कि दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक धातु या अधातुओं को एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में पिघलाने के फलस्वरूप बनता है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि धातु मोल्टेन स्टेट में आ रहा है तब जा कर के बनता है। तो क्या आपने किसी मिश्र धातु में देखा है उसके अभी तत्व जो हैं उसका प्रॉपर्टीज नज़र आता, ऐसा है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे कि सर पानी में चीनी मिलाना ही बिलियन ना है, बिलियन का कोई अवस्था ही नहीं है। बिलियन आपका ठोस ठोस का भी हो सकता है, ठोस द्रव का भी हो सकता है, द्रव गैस का भी हो सकता है, गैस गैस का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलियन की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था होती है। तो आप कहेंगे बिलियन की कोई निश्चित अवस्था नहीं होती है, सॉल्यूशन की कोई निश्चित अवस्था नहीं होती है। अब आपके मन में सीधा सा सवाल आएगा कि सर चलो बिलियन को समझ लिया, विलय क्या होता है ये समझ लिया, इसके बाद बिलियन के गुण क्या होते हैं उस चीज़ को समझ लिया, ये पॉइंट भी समझ लिया। अच्छा ये बताओ कि हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी हमसे विलायक का उपयोग भी पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है? विलायक का भी उपयोग पूछ दिया जाता है। और एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, क्या कि निम्नलिखित में से सार्वत्रिक विलायक कौन सा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है। अच्छा जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें लगभग में सारी चीज़ें डिसॉल्व हो जाए। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पानी है, आपका जो पानी है वो क्या है, आपका सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है आपका ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दोस्तों आपके डेली लाइफ में सॉल्वेंट का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ज़रा सा हम लोग इसको इसके उपयोग को देखते हैं फिर आगे की बात करेंगे। तो आप पहले स्टार मार्क दे दीजिएगा विलायक के उपयोग। दोस्तों जब आप विलायक के उपयोग की बात करेंगे तो सिंपल में ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ही बेसिक सा बात है, कोई ज़्यादा टफ वाला बात नहीं है। क्या कि विलायक का उपयोग आपका मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में होता है, औषधि जब जहाँ पे दवाई वगैरह बनता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, निर्जल धुलाई के रूप में विलायक के रूप में पेट्रोल और बेंजीन का उपयोग किया जाता है, इत्र के निर्माण में मतलब परफ्यूम को बनाने में, रंग रोगन घोलने उलने में, या बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ है जिसमें विलायक का उपयोग निर्माण के लिए किया जाता है। तो अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी विलायक का उपयोग होता है। तो ये कुछ आपके सिंपल विलायक के उपयोग हैं, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में ये वाला पॉइंट आ जाता है कि निर्जल धुलाई में निम्नलिखित में से कौन सा विलायक उपयोग किया जाता है, तो बेंजीन और पेट्रोल उपयोग किया जाता है। अगर इसमें से कोई आपका ऑप्शन रहे तो उसको आप टिक आउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बात आती है कि चलो सर बिलियन समझ लिए, विलय विलायक, विलायक का उपयोग, बिलियन की अवस्थाएं, उसका गुण, सारा चीज़ हो गया। आपको दो तीन वर्ड बहुत ज़्यादा परेशान करता होगा। पहला क्या परेशान करता होगा, ध्यान से सुनिएगा, पहला आपको परेशान करता होगा संतृप्त बिलियन। पहला आपको कौन सा करता होगा, संतृप्त बिलियन। दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा आपको परेशान करता होगा दोस्तों असंतृप्त बिलियन। क्या करता होगा परेशान, असंतृप्त बिलियन। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा आपको परेशान करता होगा अति संतृप्त बिलियन, अति संतृप्त बिलियन। अच्छा मेरे मित्र एक बात और याद रखना कि बिलियन जो होता है वो अस्थाई होता है, मतलब क्या कि बिलियन को अगर आप छोड़ दोगे उसके कण नीचे में नहीं बैठेंगे। अच्छा अति संतृप्त बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि होता क्या है। अब देखिए जब आप पहले बात करते हैं किसकी, संतृप्त बिलियन की,
जो संतृप्त से आपको कुछ ना समझ में आ रहा है, यहाँ पे संतृप्त का अगर मैं तृप्त वर्ड ले लूँ, कौन सा वर्ड ले लूँ, तृप्त वर्ड ले लूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? खाने पीने के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आप लोगों से कोई पूछता है खाना खाया तो आप क्या बोलते हैं? खा पी के एकदम तृप्त हो गए। तो आप मान लीजिए कि आप खा पी के एकदम तृप्त हो गए और आपको और ज़्यादा खिलाया जाए तो आप खाएंगे? आप बोलेंगे ना ना, इच्छा फूल हो गया। तो यहाँ पे जो संतृप्त है ये वैसा विलियन होता है, संतृप्त विलियन जो है ये वैसा विलियन होता है जिसमें एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घुलाई जा सकती। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बोला कि आप अपने घर में बहुत अच्छा से भरपेट खाना खा लिए। अब आप खाना खाने के बाद आपको कोई दोस्त ऑफर कर रहा है कि लो मिठाई खा लो, तो आप क्या करें? ना ना, अभी नहीं खाएंगे, मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ है। मतलब आप पहले से ही तृप्त हैं। तो जहाँ भी संतृप्त है मतलब उसका इच्छा पूर्ण है। तो आपको पता है कि कोई भी बिलियन में जो है, कोई भी बिलियन में जो है वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक होता है आपका विलेय और दूसरा क्या होता है आपका विलायक। दूसरा क्या होता है? विलायक। तो भैया विलायक में विलेय डिसॉल्व होता है, विलायक में क्या होता है? विलेय डिसॉल्व होता है। तो हम कह रहे हैं कि किसी बिलियन में एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर अगर और अधिक विलेय की मात्रा न घुल पाए, और अधिक विलेय की मात्रा न घुल पाए, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? संतृप्त बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त बिलियन कहते हैं। एक चीज़ और, इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि संतृप्त विलियन ऐसा विलियन होता है जिसमें विलेय की एक निश्चित मात्रा उस ताप पर उस विलायक में घुली हुई रहती है। क्या कहते हैं? कि संतृप्त विलियन एक ऐसा विलियन होता है जिसमें विलेय की एक निश्चित मात्रा उस ताप पर उस विलायक में घुली हुई रहती है। अब आपका कह रहा है कि असंतृप्त विलियन क्या होता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें घुली हुई रहती है, इसकी इच्छाएं पूरी है, इसमें और अधिक विलायक ना जा सकता है। किसमें? संतृप्त विलियन में। किसमें? संतृप्त विलियन में। लेकिन आपका क्या कह रहा है कि असंतृप्त विलियन जो होता है उसमें क्या होता है कि विलेय की और अधिक मात्रा, विलेय की और अधिक मात्रा पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होती है। मतलब इसमें आपका ताप पर अधिक मात्रा में विलेय घुलाई जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा विलियन, ऐसा विलियन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त विलियन कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे घुलाई नहीं जा सकती है, घुलाई नहीं जा सकती है, तो क्या हो गया? संतृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त हो गया। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे उस निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, तब क्या कहेंगे उसको हम लोग? तब उसको हम लोग कहेंगे कि सर वो असंतृप्त विलियन है। अब नेक्स्ट बात किसकी आ जाती है? अति संतृप्त की। अब इसको अति संतृप्त क्या कहेंगे? मतलब संतृप्त हो करके अब फिर से उसमें अगर घुलाया जाए, घुलने की क्षमता हो, तब उसको हम लोग कहेंगे अति संतृप्त। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं असंतृप्त विलियन के बारे, अति संतृप्त विलियन के बारे में, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, क्या कि ऐसा संतृप्त विलियन, ऐसा संतृप्त विलियन जिसमें ताप बढ़ाने से और अधिक विलेय की मात्रा घुलाई जा सकती हो, या ऐसा विलियन, या ऐसा विलियन जिसमें उसके संतृप्त होने के बाद भी ताप बढ़ा बढ़ा करके, ताप बढ़ा बढ़ा करके और ज़्यादा विलेय की मात्रा घुलाई जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलियन कहेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। एक बार और ध्यान से देखिएगा, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। क्या कि आप संतृप्त विलियन क्या कहेंगे? तो ऐसा विलियन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घुल सके, मतलब उसमें विलेय की एक निश्चित मात्रा घुली हुई हो पहले से, उसका इच्छा पहले से ही पूर्ण हो, तो संतृप्त विलियन वैसा विलियन जिसमें विलेय की एक निश्चित मात्रा घुली हुई हो,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। असंतृप्त विलयन इसमें क्या है कि उस निश्चित तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब आप अति संतृप्त विलयन किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर वैसा विलयन जिसमें उसके संतृप्त होने के बाद भी तापमान को बढ़ा बढ़ा करके और ज्यादा विलेय उसमें घुलाया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। अब दोस्तों जब आप इस चीज को समझते हैं, संतृप्त और असंतृप्त को समझ लेते हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सीधे सीधे क्या कह रहे हैं कि सर सॉल्वेंट में मतलब विलायक में विलेय को घुलाने की जो कैपेसिटी है उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। मतलब संतृप्त विलयन जो होगा उसके सॉल्वेंट में और अधिक मात्रा में विलेय नहीं डिजॉल्व हो पाएगा, जबकि असंतृप्त जो होगा उसमें अधिक मात्रा में विलेय घुलना चाहेगा या घुलाई जा सकती है, लेकिन जो अति संतृप्त होगा उसमें संतृप्त तो कर ही देंगे लेकिन उससे ज़्यादा और उसमें क्या करना चाहेंगे, विलेय डालना चाहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस विलयन के, या कहीं ना कहीं हम लोग विलयन के विलायक में घुलने वाली विलेय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विलयन के विलायक में घुलने वाली विलेय की बात कर रहे हैं। और दोस्तों किसी विलायक में घुलने वाली या किसी विलायक में जो ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर विलेय को घुला ले, इसी को हम लोग विलयन की विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला कि विलयन में दो चीज़ होता है, पहला होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। इसी दोनों चीज़ से मिलकर आपका विलयन बनता है। तो किसी भी सॉल्वेंट के द्वारा जितनी सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व करने की, घुलाने की कैपेसिटी होती है, दैट्स आर कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या कहलाती है, विलयन की विलेयता कहलाती है। दोस्तों इस चीज़ की चर्चा हम लोग करेंगे इसके अगले क्लास में, क्योंकि अब इतना बोल लिए हैं कि पेट में दर्द होना शुरू हो गया है।